अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे व्यूवर्स को खैरियत से रखे। अच्छा तो व्यूवर, आज मेरा न्यू व्लॉग है। व्लॉग कुछ इस तरह का है, मेरी खाला की सेरेमनी है, सेरेमनी की तकरीबात है, वेडिंग की, वेडिंग सेरेमनी है सच। तो उसकी सेरेमनी की तकरीबात से जा रही है। आज पहला दिन है यानी कि मेहंदी का। तो आइए पहले व्लॉग का आगाज़ करते हैं, न्यू व्लॉग का। आइए वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। तो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। ये आप सोच रहे हो कि आज मैंने हाथ ऐसे क्यों नहीं पूरा घुमाया, क्योंकि मेरे बाजू में ये देख सकते हैं हड्डी का ज़रा इशू हुआ है, बोन्स का इशू है, गिर गया था मैं। तो बाकी अब चलते जुमा पढ़ने, बाकी बातें बाद में। जुमे का टाइम भी गुजारा है, पहले जुमा पढ़ना ज़रूरी है, मैं जायनमाज पकड़ लूँ। तो चलते हैं जुम्मे के लिए जल्दी से। आइए जायनमाज जल्दी से पकड़ते और चलते हैं जुम्मे के लिए, ठीक है? पहले सबसे पहले जुमा पढ़ना चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, फिर अगले काम बाहर में, बाहर के काम बाहर में। जी तो मैंने जायनमाज पकड़ ली है, अब चलते हैं बाहर जुम्मे के लिए। मेरे को सिट्टा खा रहा बच्चा। जी तो मैं पहुंच चुका हूँ मस्जिद, अब जल्दी से जुमा पढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। सामने दिल भाई भी आपको मिलेंगे। ये देखे हमारे दिल भाई, भैया क्या हाल है? ठीक है, ये साहब भैया आगे फ्रॉडी भाई। जमात खड़ी होने वाली, जल्दी जल्दी से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। जी तो मैं जुमा पढ़ के आ चुका हूँ, अब फ्री हो चुका हूँ जुमा पढ़ के। ये देख रहे हो कि मैंने भी ज़रा मुंह को सवारने के लिए ना क्रीम श्रीम लगाई है हल्की सी। अब मैं जुमा पढ़ के फ्री हो चुका हूँ। सबसे पहले तो भूख लगी है, भूख का इंतज़ाम करना है। उसके बाद हम करवाए गए ब्री ट्रिमिंग, बालों को सेट करवाएंगे, बालों को सेट करवा के भूख का इंतज़ाम हमने आज चढ़ना बाहर से। तो आपको पता है घर वाले भी, आज शादी वाला घर है, सारे अपने तैयारियों में मसरूफ़ है, तो इसलिए अपना इंतज़ाम अब खुद करेंगे, बाहर से लेके आएंगे, कुछ मज़े का खाएंगे। क्या खाएं, भटूरे मिल जाएंगे? हाँ भटूरे खाएंगे, भटूरे। जी तो अब मैं खाना वगैरह खा लिया है, ठीक है, खाना खा के फ्री हो चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा था बाल ट्रिमिंग के लिए और हेयर कटिंग वगैरह करवाने के लिए। जी तो ट्रिमिंग करवाने अब पहुँच चुके हैं भाई। देखे जी इधर नहीं है कोई भी, नहीं बैठा हुआ, हो गया है बेसिकली खाना खाने गए। दोपहर का इस टाइम खाना होता है, हो गया खाना खाने, फ़ोन किया कह रहा बस मैं आ गया रस्ते में हूँ। वो आता है तो फिर जल्दी से करवाते हैं, क्योंकि बालों को भी मैंने, ये देखे बालों का क्या हाल हुआ है, देख रहे हैं बहुत बुरा हाल हुआ है बालों का। तो वो आता है तो जल्दी से करवाते हैं यार, आज भी नहीं ऊपर हो रहा है। तो ये देखिए कटिंग वगैरह हो गई है, फ्री हो चुका हूँ मैं, अब चलते हैं घर में, क्योंकि अब जाके रेडी करना है, जल्दी से रेडी होना है, जल्दी से रेडी होना है, चलते हैं घर में। ओके साहब भाई,
अजी तो हम शादी में पहुंच चुके हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा मैं भूल गया था, अब मैं यहाँ पहुंच चुका, बाकी आपको पता नहीं था। एक जीना मैं तो बिन तेरे है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मैं दुहाई लगे दुनिया क्यों पराई, करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई, ये खाना खा के अब फ्री हो चुके हैं, अब खाना खा के आप अगली रस्म में इन्वॉल्व हो गए, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। खाना वैसे बहुत मज़े का था, आपने खाया टेस्ट किया, बहुत मज़े का खाना था। अब बाकी बात आगे अब होने लगी मेहंदी स्टार्ट, पहले था खाना, खाना खा के सब फारिग हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, अब नेक्स्ट हमारा है क्या करना, हमने मेहंदी स्टार्ट होनी, अब रस्म जो होती है वो स्टार्ट होगी। यार बहुत थक चुका हूँ काम कर कर के, सारे बर्तन समेटे हैं, मेहमानों के गेस्ट जो आए थे उन्होंने खाना खाया, सारे बर्तन समेटे हैं और सारी यानी कि ऊपर से एज अ कीपर मैंने सारी सफाई की है, मैं थक चुका हूँ, यहाँ थक के बैठ चुका हूँ रेस्ट के लिए, दो मिनट अब रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मुझे आवाज़ आ जानी, फिजान जल्दी से आ जाओ, देखे मैंने क्या कहा था मुझे आवाज़ आ जानी है, तो वाकई आवाज़ आ गई, अब चलते ऊपर जल्दी से, फिर ऊपर जाके और काम करने हैं, फिर पता नहीं देखे क्या काम है। अच्छा यार मैं बातों बात तुम्हें पूछना भूल गया, ये बताए मैं मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है, कैसी लग रही है मेरी ड्रेसिंग, के साथ अहमद भाई बैठे हैं मेरे कज़न है, यानी कि मेरा ही है, मैं ही ऐसे अच्छे काम करता हूँ ना जी। तो गाइस अब फंक्शन अपने इख्ताम को पहुँच रहा है, सब कुछ आधे मेहमान चले गए अपनी तरफ अपने घर, अब हम भी जाएंगे थोड़ा सा काम समेट समूट के, मैं इसलिए अब आपको हो सकता है अगली वीडियोस ना डालूँ, और कुछ वीडियोस मैं नहीं भी डाल बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत रश है, और यकीन कीजिए टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, खाना अभी तक खाना भी नहीं खाया मैंने। ये तो गाइस काम करके हम फारिग हो चुके हैं, ठीक है फ्री हो चुके हैं, थक चुके हैं, शदीद दर्द हो रही है जिस्म में, मेरा जिस्म पहले भी बहुत दर्द हो रहा था, बाजू मेरा क्रैक हुआ है जिसकी वजह से काम भी किया मैंने, अब थक चुका हूँ, अब आपसे जाके घर जाके मुलाकात होगी, अब आइए चलते हैं घर क्योंकि मुझे घर से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट्स अच्छे अच्छे और सबसे भरकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस मुझे अब इजाज़त दे, अब टाइम ही इस टाइम हो 12:15 हो चुकी है अब, क्योंकि 2-3 घंटे मुझे व्लॉग एडिट करते हुए भी लग जाने, सुबह प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी सुबह का हमारा जल्दी का है, तकरीबन 12 बजे का प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी उठना है, अभी व्लॉग को एडिट करना है, तकरीबन 2 घंटे मुझे व्लॉग एडिट करने में लग जाएंगे, अब आपसे मुलाकात होगी कल, क्योंकि कल भी व्लॉग बनाना है बारात के लिए, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, वक्त दे मुझे इजाज़त, और आप खुद रखिए अपने आपका ख्याल, और मुझे दुआ में याद, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।